कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ग्वालियर ने शनिवार की शाम आयोजित भव्य समारोह में नई पीढ़ी के ऐसे युवाओं को जो अपने पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं अथवा पारंपरिक व्यवसाय से हटकर नए व्यापार को स्थापित कर शहर को नई उपलब्धि दे रहे हैं, उन्हें कैट युवा उद्यमी सम्मान 2024 देकर सम्मानित किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उपस्थित होकर युवा उद्यमियों एवं उनके परिजनों का उत्साहवर्धन करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया एवं उन्हें व्यवसाय व उद्योग क्षेत्र में सफलता के उपयोगी टिप्स देते हुए कैट के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जैन द्वारा नवोदित युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त अध्यक्ष हेमंत गुप्ता उपस्थित थे। यह आयोजन होटल रॉयल इन सिटी सेंटर ग्वालियर में आयोजित किया गया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने युवा उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्वालियर द्रुत गति से विकास के पथ पर अग्रसर है। भव्यता व सुविधाओं के मामले में देश के बड़े महानगरों की श्रेणी में खड़े ग्वालियर के नवीन एयरपोर्ट को देखकर हर ग्वालियरवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन भी नवीन भव्य स्वरूप में जल्द हमारे सामने होगा। ISBT यानी अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का जल्द ही लोकार्पण होगा। एलिवेटेड रोड कभी सपना था जो अब साकार हो रहा है। आज ग्वालियर देश के बड़े शहरों में शामिल हो रहा है। उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए युवा उद्यमी खूब आगे बढ़ें, लेकिन ग्वालियर से बाहर जाने के बजाय अपने उद्योग धंधे ग्वालियर में ही स्थापित करने के बारे में सोचें। उन्होंने कहा कि कैट संस्था द्वारा जिन नए युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है वे उन सभी के साथ बैठक करेंगे और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी बैठक कराएंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि मप्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त अध्यक्ष हेमंत गुप्ता ने युवा उद्यमियों को नसीहत दी कि वे अपनी जड़ों को न भूलें अर्थात अपने उद्योग व्यापार में ग्वालियर फर्स्ट की नीति को अमल में लाएं। समारोह में विशेष रूप से उपस्थित कैट मध्यप्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र जैन ने अपने स्वागत उद्बोधन में कैट द्वारा आरंभ किए इस अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि युवा उद्यमियों का यह सम्मान अभियान चरणबद्ध तरीके से आगे भी जारी रहेगा। कार्यक्रम की पहली कड़ी के रूप में अतिथिगण ने आज जिन 11 युवा उद्यमियों का सम्मान किया उनमें सर्वश्री राजन अग्रवाल, साकेत माहेश्वरी, अतिशय जैन, अक्षय चंगुलानी, भव्य सिंह चतुर्वेदी, दीपेश वाधवानी, समर्थ अग्रवाल, यश महेश्वरी, ऋषभ समाधिया, चंदन अग्रवाल, अभिराज बंसल शामिल है। अतिथियों को स्मृति चिन्ह नितिन गोयल, प्रशांत सिंघल, रवि अग्रवाल व अंशुल गुप्ता ने भेंट किए। कार्यक्रम के समापन पर आभार प्रदर्शन कैट के महामंत्री मनोज चौरसिया ने किया। आपका रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो रहा है, आप देखो आपका बस अड्डा भी अंतर्राष्ट्रीय तैयार हुआ है जिसका भूमि पूजन बहुत जल्दी लोकार्पण जल्दी होने जाना है, वो देख करके भी आप गर्व महसूस करोगे। तो आपके नातेदार, आपके रिश्तेदार, व्यापारी, उद्योगपति जो आएंगे वो तीन माध्यम से आएंगे, या तो हवाई जहाज से, रेल से, या बस से आएंगे। तीनों जब अच्छे होंगे तो क्या कहेंगे, हमारे नातेदार रिश्तेदार अच्छी जगह रह रहे हैं, यहाँ का वातावरण अच्छा है तो वो यहाँ पे काम करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। ये काम हम सबने मिलने के इन 5 सालों में आपको धरातल पे दिख रहा है और आने वाले 5 सालों में भी दिखेगा। एलिवेटेड रोड जो सपना देखते थे लोग, एलिवेटेड रोड बनेगा सपना था, वह सपना साकार हो रहा है आपके सामने। हमारा शहर बड़े शहरों में शामिल हो रहा है, पर मैं एक जरूर अपील करना चाहता हूँ आप सबसे, नौजवानों से, शहर को स्वच्छ बनाने में भी अपना योगदान देने के लिए काम जरूर करें। मैं इसके लिए बहुत जल्दी आप लोगों को बुलाने वाला हूँ। ये बड़ा अटपटा शब्द लगेगा पर इसका महत्व है। आज इंदौर नंबर 1 बन करके हर क्षेत्र में नंबर 1 होने जा रहा है। इस ग्वालियर को तुम्हारे माँ बाप ने इस लाइक भास्कर के फ्रंट पेज का फोटो आज तक याद है कि चारों तरफ पुलिस घर से पकड़ के ले जा रही थी जनता के आंदोलन के चक्कर में। अपोजिट पार्टी की सरकार थी, जो भी स्थिति बनी, लेकिन प्रद्युम्न ने हार नहीं मानी, शरीर से तबीयत भी खराब हुई लेकिन लड़ते रहे। तो आप 11 बच्चे कम से कम आज के मुख्य अतिथि से प्रेरणा लेना कि हमें अपने संघर्ष को, अपने काम को आगे बढ़ाना है। जहाँ दिक्कत हो, मैं हूँ, हेमंत जी है, प्रद्युम्न जी है, बहुत लोग हैं आपके हाथ रखने के लिए।
बस यही निवेदन है, आज वो आए और आगे भी ये पूरा कार्यक्रम मैं प्रधवन जी से बात करता रहूंगा, 11 लोगों का आगे आगे जैसे हम करेंगे वो आए या वो किसी को लाए या किसी को भेजें। हेमंत भैया, इस तरह के 200 लोगों की टीम हमको बनानी है।